हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नटवर चौधरी। जैसा कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 संस्कृत विषय का प्रोविजनल जो परिणाम है उसे आए काफ़ी दिन हो चुके हैं। ऐसे में काफ़ी अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, प्रो के बारे में आपको पता ही है, यहाँ पर हम सीधा फाइनल को लेकर चलेंगे। जैसा कि आपने देखा कि 3150 नॉन टीएसपी पोस्ट पर यहाँ पर प्रो में पास किया गया है, जबकि हम बात करें नॉन टीएसपी की जो पोस्ट थी 1510 पोस्ट है, अर्थात यहाँ पर 2.08 गुना अभ्यर्थियों को पास किया गया है। पिछली भर्ती की बात करें 2018 की, तो वहाँ पे आपने देखा कि 2.19 गुना अभ्यर्थियों को पास किया गया था, अर्थात पुराने के मुकाबले यहाँ आप देखेंगे थोड़ा बहुत घनत्व में जो अंतर है उसका एक कहीं कहीं प्रभाव अवश्य पड़ेगा और कट ऑफ जो बढ़ने के आसार रहेंगे लास्ट भर्ती के मुकाबले कहीं ना कहीं थोड़ी कम नज़र आएगी। शुरुआत करते हैं जनरल से। जनरल में जो कट ऑफ हो सकती है फाइनल 353 से लेके 355 हो सकती है। ईडब्ल्यूएस में 330 से 332 हो सकती है। एससी कैटेगरी में मेल फीमेल की प्रो में अलग अलग गई थी, लेकिन आपको फाइनल में एक ही कट ऑफ देखने को मिल सकती है 298 से 300 तक। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 285 से 287 और ओबीसी में यहाँ पर 346 से 348 ये आपको इसलिए देखने को मिल सकती है क्योंकि जनरल कैटेगरी में आप जब देख सकते हैं 2.08 गुना अभ्यर्थियाँ पास हैं, तो ओबीसी का जो वेटेज है बहुत ज़्यादा होता है, 60% से ऊपर हम मान सकते हैं, होने को तो 70% तक भी हो जाते हैं, लेकिन 60 भी माने तो भी कहीं ना कहीं नुकसान है जो प्रो में अभ्यर्थी पास हुए ओबीसी वाले। तो 345.24 जनरल की गई है, तो इससे कम जाना एक बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए हम यहाँ देख सकते हैं कि 346 से 348 का आंकड़ा छू सकती है। एमबीसी की बात करें तो 310 से 312 तक कट ऑफ रह सकती है। ये एक अनुमानित आंकड़ा है मेरी तरफ से, काफ़ी अभ्यर्थी लगातार जानना चाह रहे थे, तो ये फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। आपके कितने कितने अंक आ रहे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद सर।